लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा छत्तीसगढ़ के कई शहरों गांवों में धूमधाम से मनाई गई। राजधानी रायपुर के कई घाटों में एक दिन पहले बुधवार शाम को व्रती महिलाओं ने सूर्य देवता को नमन किया और आज सुबह पूजा आराधना कर सूर्य देवता से सुख समृद्धि की कामना की, जिसके बाद आज तमाम श्रद्धालु रात भर घाट पर ही रहे। भगवान भास्कर के उदय होने की प्रतीक्षा करते रहे। सुबह सूर्य भगवान की पहली किरण के साथ ही नदियों तालाबों में पानी में खड़े होकर महिलाओं ने पूजन किया। देखिए आज छठ का महापर्व है, छठ के महापर्व का आज लास्ट दिन है। 36 घंटे के उपवास के बाद आज महिलाओं ने जो ठेकुओं के प्रसाद लगाने के बाद सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद यह व्रत जो है आज खत्म कर दिया। आपको बता दें कि आज राजधानी रायपुर के महादेव घाट में जो है हजारों की तादाद में व्रतियां और जो है पुरुष महिलाएं बुजुर्ग हर प्रकार के लोग जो है आज जो है छठ का महापर्व मनाने आए हैं। आप देख सकते हैं पूरा माहौल जो है राजधानी रायपुर के महादेव घाट में देखा जा रहा है। यहाँ के दूर दूर से लोग आए हुए हैं। हम कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। सर इधर आइए, आप बताइए हमको कि छठ का महापर्व आज किस प्रकार का माहौल यहाँ पे देखा जा रहा है। देखिए छठ पर्व जो है ना वह उगता हुआ अस्त होता हुआ सूर्य और जो अस्त होता है उगता हुआ भी सूर्य, अस्त और उगता हुआ सूर्य दोनों का हम लोग आराधना करते हैं। और ये जो हम लोग का पर्व जो है सो देश में ही नहीं अब विदेशों में भी मनाया जाता है। और भगवान भास्कर के पास जो सूर्य का जो अर्ध है उस पर हम लोग का बहुत बड़ा आस्था है और यही कारण है कि हम लोग सूर्य भगवान को प्रणाम करके अर्ध देते हैं। महादेव घाट में माहौल है आज किस प्रकार से देखा जा रहा है माहौल, क्योंकि कोरोना के चलते माहौल में कुछ कुछ गाइडलाइन थी जिसका अभी भी गाइडलाइन है, पर अभी किस प्रकार से पालन किया जा रहा है, किस प्रकार से माहौल आपको यहाँ देखा जा रहा है? देखिए सब आस्था पर ही विश्वास है और यही कारण है कि कोरोना के चलते थोड़ा सा कमी तो आई है लेकिन पूजा पाठ में कोई कमी नहीं आई है। जिनको पूजा करना था वो घाट पर आए हैं और माहौल जो है उसे पूरा खुशी का माहौल है और इसी बीच में छठ माँ का आज पूजा संपन्न हुआ है। अच्छा, अभी देखा जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं पूजा कर रहे हैं, क्या मन्नतें रहती हैं, किस प्रकार की ये पूजा रहती है और क्या इससे जो है आपको सफलता हासिल होती है पूजा करने के बाद? देखिए ये अपने सफलता के लिए नहीं किया जाता है, ये जो हम लोग का जो भारतवर्ष में सभी वर्ग सभी धर्म सभी जाति के लिए जो है ये पर्व सबके लिए महान है। और ये श्री माने जैसे कोरोना टाइप का जो बीमारी आया हुआ है इससे निजात मिले, हर परिवार खुशहाल हो, इसी के चलते अति किया जाता है, इस पर्व किया जाता है, पूरा हमारा संसार खुशहाल हो। महिलाओं का विशेष योगदान रहता है इस व्रत में जो है 36 घंटे का उपवास रखने के बाद महिलाएं जो है सूर्य उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद उपवास तोड़ती हैं। आज सूर्य को अर्घ देने के बाद जो आपने उपवास तो व्रत तो खोला है, कैसे कैसे देखती हैं आप और क्या कुछ मन्नतें रहती हैं आप? मन्नतें तो बहुत रहती हैं और देखते इस तरह से है कि एक ऐसी पूजा है जिसमें ना ब्राह्मण की ज़रूरत है, इसमें आप साक्षात देवता की पूजा करते हैं, इसमें ना कोई जात भाव है, घाट पे सभी जाति एक समान के होते हैं, इसमें व्रती बस व्रती होते हैं, ना वो उच्च जाति के होते हैं ना वो नीच जाति के हैं, ये समाज में एकता का प्रतीक है जो सभी धर्मों को जोड़ के देखा जाता है। सूर्य की जो तस्वीर रहती है जो सुबह 4 बजे से आप लोग तालाब में डूबे रहते हैं सूर्य को अर्घ देने के लिए, वो बहुत भावुक करने वाली तस्वीर है, उसे किस तरह से देखते हैं? उसको देखा ही नहीं जा सकता, जब उसको आप करोगे और पानी में उतरोगे तभी उस चीज़ को फील किया जाता है, वो ऐसी ही एक भीतर से जो फीलिंग है उसको जो बयान नहीं किया जा सकता है। वो हम लोगों को लगता है कि सूर्य एक एनर्जी दे रहा है जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, महिलाओं का विशेष इसमें योगदान रहता है, महिलाओं का भी कहना है कि सूर्य जो एनर्जी दे रहे हैं एनर्जी के रूप में महिलाओं ने इन्हें बताया और बता दी कि छठ का लास्ट दिन आज हजारों की संख्या में महादेव घाट के तट पर जो है श्रद्धालु आए हुए हैं। और यहाँ ही नहीं राजधानी रायपुर के 50 तालाबों में यह पर्व मनाया जा रहा है, बहुत ही खुशहाली का पर्व है। महिलाओं की जो विशेष आस्था रहती है चाहे संतान प्राप्ति को लेकर हो चाहे परिवार की सुख समृद्धि को लेकर यह पर्व मनाया जाता है। TCP24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अनुजंगल के साथ नितिन नामदेव रायपुर। इसके साथ यह 4 दिन के छठ पर्व का समापन हो गया।